ये कन्नौज है साहब, ये जब भाषण हो रही है तब की तस्वीरें। कन्नौज में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संयुक्त रूप से जनसभा की। पार्टी सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष करीम खान साहब, बड़ा कर दीजिए मनीष जी, थोड़ा बड़ा करके दीजिए। पूर्व विधायक अरविंद यादव, हाँ, के सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाली है, जो वैक्सीन लगवाई है। देखिए, जब अखिलेश बोल रहे हैं तब की ये स्थिति थी, मतलब मंच से अखिलेश यादव का। नहीं नहीं मनीष जी, अखिलेश यादव मंच पे, और ये राहुल गांधी जो अलूल जुलूल बकरा, ये मंच पे, वो दिल्ली से चला आया था संजय सिंह जो अभी जमानत पे छूटा, वो मंच पे। यानी इसके बावजूद जनसभा के दौरान आधे से अधिक मतदान खाली पड़ा रहा। हाँ। देखते रहिए, ये सीन देखते रहिए, जरा सा ये स्थिति है। अखिलेश यादव का भाषण चल रहा है और आलम ये है, ये आलम है। अखिलेश यादव मंच से बोल रहे हैं और ये आपने सुनाई है, तो उनपे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। कन्नौज, अब उसके बाद जरा खलिहरों का खेल दिखा जाए सर, ये भी देख लिया। हाँ, ये बेशर्मों को दिखाइए जरा, इस बेशर्मी देखिए कि ये स्थिति थी और उस पर इन लोगों की बेशर्मी देखिए कि ये कन्नौज में कैसे ये लोग, मतलब बड़ा कर कैसे चेहरा दिखाते होंगे। ये देखिए, ये लिख रहा है, कन्नौज में अखिलेश यादव की रैली में उमड़ा जन सैलाब, राहुल अखिलेश ने भरी हुंकार, उमड़ा जन सैलाब। ये देखिए, और ये लाखों लाख व्यूअर्स लेता है ये जो ये जो 8 PM का नशा करके 4 PM देखते, वो जान ले कैसी दलाली करते हैं, कैसी आंखों में धूल झोंकते, कैसा थंबनेल लगा, क्या क्या टाइटल लगा रहे हैं। और अभी मनीष जी ने वीडियो दिखाया कि जूते चप्पल अंडरवियर मारा जा रहा है। मैंने दिखा दिया वीडियो कि बिल्कुल जिस समय बोल रहे थे सारे तिकड़ी वहां मौजूद थी, तो आधा पंडाल खाली था। यानी कन्नौज में अखिलेश यादव की हार तय, ये बात हम लोगों ने पहले कही थी, लेकिन आज ये बिल्कुल मोहर लग गई इसके ऊपर, आप समझिए। और ये भी बता दूं कि 25 से 50 हजार, कलीब शायद संभवतः मैंने जिक्र भी किया था कि 25 से 50 हजार की हार होने जा रही है कन्नौज में। और ये दोनों नजारे आज के ये बिल्कुल इसकी पुष्टि कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। और ये तो मनीष जी, हम लोगों ने तीसरे दौर की जो पोली खत्म हुई उसी ने कहा था कि डिंपल चुनाव हार रही हैं, डिंपल चुनाव मैनपुरी से हार रही हैं, और चौथे चरण में अखिलेश यादव का भी काम हो जाएगा, ये इसकी गवाही है। और इसकी वजह दर्शक समझ ले, अब जरा बताता हूँ दर्शकों का कारण। ये हवाबाजी ने जैसे वो 4 PM वाला 8 PM पी के लगा रहा है कि उसको जन सैलाब दिख रहा है, अभी देखा आपने आधी कुर्सियां खाली है वीडियो, और वो बता रहा है जन सैलाब। तो ये इस तरह के वो शुक्ला के चैनल वाला जो माहौल क्या तलाशा करता है, वो भी माहौल तलाश रहा है। उसने भी लिखा कि लाखों की भीड़, इन बेशर्मों को ये नजर आई। लेकिन मनीष जी जरा अब वो दूसरी खबर दिखा दीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से कन्नौज और मैनपुरी में हवा क्यों बदली हुई है कि मैनपुरी में कन्नौज से लगी हुई सीट पर आज से 7 साल पहले 8 मई 2017 को मुलायम सिंह यादव डंके की चोट पर उन्होंने एक बात कही थी और उसका परिणाम भी आप बताते हैं। और मैं जरा मनीष जी आपको खबर दिखाएंगे, मैं पढ़े दे रहा हूँ मनीष जी, वो खबर ही मैं पढ़े दे रहा हूँ। मनीष जी आपको दिखाते हैं कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को सार्वजनिक कर दिया है। उनके इस बयान के बाद जबरदस्त तहलका मच गया है। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया, ऐसा कहकर समाजवादी पार्टी में चल रही रार को उन्होंने एक बार फिर से हवा दे दी है। मालूम हो उत्तर प्रदेश के चुनावों में हारने के बाद से समाजवादी पार्टी में रार पहले जैसी ही बनी हुई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो समाजवादी पार्टी को प्रदेश में बहुमत मिल जाता, इस कारण अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना मेरी एक बड़ी भूल थी। उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए अपनी गलती मानी। बता दें कि 2012 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस गलती को मानते हुए मुलायम ने कहा सीएम हमको बनना चाहिए था, अगर मैं सीएम होता तो बहुमत मिल जाता। मुलायम ने कहा सपा अपनी गलती से चुनाव हारी, जनता की कोई गलती नहीं,
सीएम मुझे बनना चाहिए तो मैंने अखिलेश को बनाया, अगर मैं सीएम होता तो बहुमत मिलता। मुलायम बोले, अब जरा मनीष जी जो आगे मुलायम ने कहा था वो कन्नौज में जो दुर्दशा आप अखिलेश यादव की देख रहे हैं वो दर्शक समझे कि कन्नौज और मैनपुरी में क्या दुर्दशा जो होने जा रही सपा की वो क्यों है। मुलायम ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने पार्टी की हार तय कर ली थी। वो बोले कि अखिलेश ने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जिसमें हमको जेल में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिस कांग्रेस ने हमको जेल में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस कांग्रेस ने हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे ऊपर बहुत केस लगाए, इसके बाद भी अखिलेश ने कांग्रेस से ही गठबंधन कर लिया। ये जरा मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में कह रहे हैं और ये अमर उजाला की खबर है, दर्शक देखा होगा। और जरा आखिरी पैरा सुन लीजिए कि ये जो समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है ये कैसा है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जिसको आजकल मंदिर और राम पे बड़ा ज्ञान बांट रहा है वो, उसके बारे में मुलायम सिंह यादव क्या ज्ञान बांट गए थे वो राम गोपाल यादव को भी याद दिलाना बड़ा जरूरी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। राम गोपाल ने शिवपाल सिंह यादव को इटावा के जसवंत नगर से हराने के लिए पैसा तक खर्च किया था। इसका जब मुझे पता चला तो मुझे जसवंत नगर में सभा तक करनी पड़ी। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव के प्रोफेसर राम गोपाल यादव को शकुनी बताए जाने वाले बयान पर कहा कि शिवपाल ने तो बिल्कुल ठीक कहा है। शिवपाल ने राम गोपाल यादव को शकुनी बताया, यह बात गलत नहीं है, वह तो शकुनी से भी खराब काम कर रहा है। ये राम गोपाल यादव के बारे में मुलायम सिंह यादव और मनीष जीजरा हेडिंग दिखा दीजिए, अमर उजाला 8 मई 2017 मैनपुरी, और ये ज्ञान बांट रहा है ये, और ये राम गोपाल यादव जिसको मुलायम सिंह यादव शकुनी से बदतर बता रहे थे, जो शिवपाल यादव को चुनाव हरवाने के लिए पैसा खर्चा कर रहा था, माल गला रहा था कि शिवपाल यादव चुनाव हार जाए जसवंत नगर से, वो राम गोपाल यादव राम मंदिर और राम पे ज्ञान दे रहा है। और कुछ मूर्ख कुछ बेवकूफ इसको नेता बताते हैं, ये मीडिया वाले जो न्यूज चैनल इसको दिखाते हैं कि प्रोफेसर ने कहा। अरे प्रोफेसर के बारे में मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा ये बताओ जरा, क्योंकि प्रोफेसर राम गोपाल यादव इसकी एक दो कौड़ी की हैसियत नहीं राजनीति की, मनीष जी ये प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, ये नेता बना केवल मुलायम सिंह यादव की बदौलत, या फिर आप कह लीजिए मुलायम सिंह यादव या शिवपाल सिंह यादव की बदौलत। और वो उस शिवपाल यादव को हरवाने के लिए पैसा खर्चा कर रहा था और मुलायम सिंह यादव ने उसका खुलासा किया और उसके बाद उनका शकुनी से बदतर है। तो ये राम गोपाल यादव चुनाव लड़वा रहा है अखिलेश यादव को, तो कन्नौज और मैनपुरी की जनता उसको भूली नहीं है कि मुलायम सिंह यादव इसको शकुनी बता गया था और अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ कहा आज से 7 साल पहले, तो उसका मतलब था कि अखिलेश नकारा है निकम्मे है और इनको नेता बनाना मेरी बड़ी भारी गलती थी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो जिस आदमी को उसके पिता बता रहे हो कि इसको नेता बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, वो गलती कन्नौज क्यों दोहराएगा और यूपी क्यों दोहराएगा। और इसीलिए मैं अक्सर अपना जो बताता हूं कि लगातार छह चुनाव समाजवादी पार्टी को हरवा रहा है अखिलेश यादव, और अब की कन्नौज में तो कन्नौज की जनता अखिलेश यादव के लिए भी पूरा प्रबंध करके बैठी है।